हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th हिस्ट्री CBSE चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे दो पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वो देख लीजिए। आइए हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब किस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो यूरोप में शुरू हुई वो हमें देखना है। आइए शुरू करते हैं। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप देर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टूडे। यानी 18th सेंचुरी के मिडल तक जैसे आज हम नेशन स्टेट्स या देश को जानते हैं वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। छोटे छोटे पार्ट्स में जो है टेरिटरीज या देश जो है वो बटे हुए थे, एक सिंगल देश का या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जर्मनी, इटाली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ड्यूचेस एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। जर्मनी, इटाली और स्विट्जरलैंड जो कि आज पूरे देश है, वो जमाने में छोटे छोटे किंगडम, ड्यूचेस और कैंटन्स में बटे हुए थे, जिनके रूलर्स जो थे उनकी ऑटोनोमस टेरिटरीज थी, मतलब हर टेरिटरी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थी। दे डिड नॉट शेयर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। ना तो उनका कल्चर कॉमन था ना ही उनकी आइडेंटिटी सेम थी। यानी वो एक देश से बिलोंग करने के बावजूद भी अलग अलग थे, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जर्मनी जो है वो अभी देश बना, उस वक्त 39 जर्मन स्टेट्स थे जो सब के सब जर्मन स्पीकिंग या जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं था। तो ये जो चीज़ थी वो उनके अंदर नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। हैब्सबर्ग एम्पायर एक ही है जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल किया, लेकिन वो भी अलग अलग रीजन और लोगों से मिलकर बना हुआ था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी के अंदर बहुत सारे लोग माग्यार भाषा बोलते थे, आधी पॉपुलेशन माग्यार भाषा बोलती थी, जबकि बाकी जो आधी थी वो अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे। डायलेक्ट्स मतलब ऐसी भाषा जिसको बोली कहते हैं जो लिखी नहीं जाती है, ठीक है। द लैंग्वेज डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट इज नोन एज डायलेक्ट्स। द एरिस्टोक्रेट स्पोक पॉलिश इन गैलिशिया। एरिस्टोक्रेट्स ये हम लोग कहते हैं जो हाईएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में जो हाईएस्ट क्लास होती है उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। तो वो लोग जो थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे गैलिशिया में। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब ऐसे सब डिफरेंस होने की वजह से कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोशन नहीं मिला। यानी हम एक है या हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं या हम लोग पॉलिटिकली यूनाइट, ये सब चीज़ें जो है वो उनको कभी भी नहीं समझ में आई उस वक्त तक। अब अगला टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास इन यूरोप वॉज द एरिस्टोक्रेसी। अभी मैंने आपको बताया एरिस्टोक्रेसी जो है वो किसी भी सोसाइटी के हाइएस्ट क्लास को कहते हैं, तो ये सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट थे यूरोप में। द मेंबर्स ऑफ दीज क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। इनका जिंदगी जीने का तरीका एक ही था, इसलिए इन लोगों में यूनिटी थी। दे ओन स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन। यानी गाँव शहर दोनों जगह उनकी जो है वो प्रॉपर्टी होती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेटिक पर्पजेज। जो भी डिप्लोमेटिक काम होते थे उसके लिए वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन बाउंडेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेस। उनके अंदर जो है वो शादी के बेसिस पे जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे उनके परिवार। दे वर पावरफुल बट न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप्स। ताकतवर थे लेकिन छोटे थे, यानी छोटा ग्रुप था उनका, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। मेजोरिटी ऑफ देम वर पीजेंट्स। इसमें से ज्यादातर लोग किसान थे। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से और ट्रेड के बढ़ने की वजह से कहाँ पर वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देर वॉज एन एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ा तो एक और ग्रुप सामने आया जिनको कमर्शियल क्लासेस कहते हैं, हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जिनका एग्जिस्टेंस जो था वो मार्केट की प्रोडक्शन के लिए ही था, यानी वो मार्केट में चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए ही थे और उसी से उनका गुजारा होता था। द न्यू सोशल ग्रुप्स ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब एक नया सोशल ग्रुप जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, मिडिल क्लास के लोग थे जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे, ये सारे लोग भी एग्जिस्टेंस में आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से।
In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. लेट 19th सेंचुरी तक ये ग्रुप जो था, यानी ये जो सोशल ग्रुप था वर्किंग क्लास का, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल का, ये जो था स्मॉलर इन नंबर था, यानी कम नंबर में थे ये लोग, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में थे. द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलैरिटी अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास. और जो नेशनल यूनिटी की जो आइडिया थी या नेशन स्टेट की जो आइडिया थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों में ही पॉपुलर हुई. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. Idea of national unity in the early 19th century Europe were closely related to the ideology of liberalism. Yani ke national unity ki idea usko liberalism ki idea se relate kiya jata tha. Liberalism matlab freedom, independence. Dekhiye yahan pe likha hai, liberalism meant for freedom of individual and equality before law for the new middle class. इन पॉलिटिकल टर्म इट एम्प्लाइज द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. अगर पॉलिटिकली देखेंगे तो लिबरलिज्म का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो आपकी मर्जी से बनी हुई हो. इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू पर्सन हु ओन प्रॉपर्टी. फ्रांस के अंदर पहले राइट टू वोट या फिर इलेक्ट होने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार सिर्फ उसी इंसान के पास था जिसके पास प्रॉपर्टी होगी. Men without property and all women were excluded from this right. जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं है और पूरी के पूरी औरतें जो थी उन्हें यह अधिकार नहीं था, ना तो वो वोट दे सकते थे ना ही वो इलेक्ट हो सकते थे. Thus in 19th century and early 20th century women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. इसलिए 19th century में और early 20th century में औरतों ने और वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों ने मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की, अपोजिशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज की ताकि उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले. यानी उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया. इन इकोनॉमिक टर्म्स लिबरलिज्म मीन फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट. अगर इकोनॉमिक टर्म में बात किया जाए तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट. देखिए ये सोशल टर्म हुआ, ये पॉलिटिकल टर्म हुआ, ये इकोनॉमिक टर्म, तीनों में लिबरलिज्म का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इकोनॉमिक टर्म में लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द स्टेट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स. यानी मार्केट आज़ाद हो, उस पर कोई कंट्रोल ना हो और गुड्स और कैपिटल जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, और जितने भी रेस्ट्रिक्शन स्टेट ने लगाए हैं वो सब खत्म हो जाए. इन 1834, अब क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत सारी करेंसीज थी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ट्रेडर्स बिजनेसमैन को, इसलिए 1834 में अ कस्टम यूनियन जिसका नाम था ज़ोल्वरिन, इसको ही ज़ोल्वरिन भी कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइन बाय मेनी जर्मन स्टेट. प्रूशिया के इनिशिएटिव से ये ज़ोल्वरिन बना, जो कि कस्टम यूनियन था, 1834 में बना. बहुत सारे जर्मन स्टेट का इसको सपोर्ट भी मिला. द यूनियन, अब इस यूनियन ने यानी ज़ोल्वरिन ने एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ के जो जो अलग अलग बैरियर्स थे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो 39 जर्मन स्टेट्स थे, हर जर्मन स्टेट का अपना अलग अलग रूल था, अलग अलग ट्रेड का सिस्टम था, अलग अलग करेंसीज थी, तो वो सारी ज़ोल्वरिन ने खत्म कर दी. एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2. और जो पहले 30 करेंसीज अलग अलग यूज होती थी उसने 30 से कितना कर दिया, ज़ोल्वरिन ने 2 कर दिया, ताकि ट्रेडिंग में आसानी हो. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. अब 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं जो पुराने तरीके पे ही बेस्ड करता हो, पुराने तरीके से ही चला रहा हो. जैसे राजा का राज था, ठीक है, राजा का जो रैंक होता था वो हेरिडिटरी होता था, बाप के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, और उनके जो भी कस्टम्स थे, और वो जल्दी से कोई भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे सिस्टम को कंजर्वेटिज्म कहते हैं, और कंजर्वेटिज्म के मानने वाले को कंजर्वेटिव्स कहते हैं, ठीक है. तो नया कंजर्वेटिव 1815 के बाद आया. यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815. 1815 में नेपोलियन की डिफीट हो गई. जंग का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू. और ये बर्पा जो मैंने लिखा है ये उन देशों का नाम है जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था. उसको आप ऐसे याद रखिए, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रशिया, पी फॉर प्रूशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया. तो बर्पा, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने जो है वो नेपोलियन को डिफीट किया 1815 में. और नेपोलियन के डिफीट के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट से जो है वो उसको पसंद करने लगी, इंस्पायर होने लगी. अभी मैंने आपको कंजर्वेटिज्म का मीनिंग समझाया. Conservatives believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, church, social hierarchy, property and the family should be preserved. Conservatives का ये मानना था कि हमारे traditional institutes establish होना चाहिए society में, state में,
और मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली, ये सारी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। यानी वही जो पुराने तरीके से हमारा राज का जो सिस्टम चला आ रहा है वही सिस्टम होना चाहिए, कोई नया सिस्टम नहीं आना चाहिए। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस, ठीक है। तो वो इसलिए कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्व थे थोड़े से, इसलिए कंजर्वेटिव्स। इन 1815 द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, देखिए अभी मैंने आपको समझाया बर्पा, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मेट एट वियना, ये वियना नाम की एक जगह पर मिले ये सारे लोग, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, ताकि यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट तैयार कर सके। अब क्योंकि नेपोलियन का जो था, नेपोलियन ने जो सेटलमेंट बनाया था अपना जो नेपोलियनिक कोड के थ्रू, वो ऑफकोर्स इनको हजम नहीं हुआ, इनको पचा नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि नया, नेपोलियन को हराने के बाद एक नया सेटलमेंट जो है वो ड्रॉ किया वियना की ट्रीटी में। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, दो बार हो गया, एक ही बार लिखी, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निक, ड्यूक मेटर्निक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो इस कांग्रेस का, वियना कांग्रेस का होस्ट था। एंड द ड्रीव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, जो अभी मैंने आपको समझाया कि नेपोलियन के टाइम पे जो यूरोप में चेंजेस आया था उसको अनडू करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है ये मीटिंग की गई थी, जिसको कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से जानते हैं, और इसके चांसलर जो थे वो ऑस्ट्रिया, इसके जो होस्ट थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटर्निक थे। देखिए ये ड्यूक मेटर्निक की तस्वीर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रीस्टोर्ड टू पावर। यानी वो बर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो चुकी थी, लुई 16 खत्म हो चुका था, उसको दोबारा से पावर में लाया गया, उनकी जो भी नस्ल के लोग होंगे उनको जिंदा रहे होंगे तो उन्हें जो है राजा बनाया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज विच इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, नेपोलियन के राज में जो जो टेरिटरी फ्रांस ने अपने कब्जे में की थी वो सब उससे वापस ले ली गई। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स एक्सपांशन इन फ्यूचर, फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत सारे नए नए स्टेट्स बना दिए ताकि फ्रांस जो है वो फ्यूचर में एक्सपांड ना कर सके। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, नीदरलैंड की किंगडम जो है वो नॉर्थ में सेटअप की गई जिसमें बेल्जियम भी था। एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, और जिनोवा को साउथ में पिडमोंट में एड किया गया, इटालियन स्टेट है। प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे नए टेरिटरीज मिले जिसमें सैक्सनी भी था, सैक्सनी अगेन एक इटालियन स्टेट है। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटाली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटाली का कंट्रोल दिया गया। इन ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच, नेपोलियन के बनाए हुए 39 जर्मन स्टेट्स को अनटच रखा गया, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस, अब ये सारे मेन 7 पॉइंट्स है जिसपे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है। अब इसका इंटेंशन क्या था, द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस, वियना कांग्रेस का मेन इंटेंशन था टू रीस्टोर द मोनार्कीज ओवर थ्रोन बाय नेपोलियन एंड टू क्रिएट अ कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। मतलब जो नेपोलियन ने चेंजेस लाया था उसको खत्म करना, मोनार्की को रीस्टोर करना, ये उनका मेन मकसद था। कंजर्वेटिव रिजाइम दैट वर सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, और ये जो 1815 में कंजर्वेटिव सेटअप हुआ, रिजाइम सेटअप हुआ, वो ऑटोक्रेटिक था, मतलब विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंट्रोल, इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक द रिवोल्यूशनरीज, द लिबरल नेशनलिस्ट अपोज्ड मोनार्कियल फॉर्म्स। अब जो लिबरल लोग थे जिनको आजाद रहना था उन्होंने ये मोनार्कियल फॉर्म को अपोज किया दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब इन्होंने क्योंकि मोनार्की इनको पसंद नहीं थी, मोनार्की में लिबर्टी कहाँ होती है, तो इसलिए इन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ाई की, और जो वियना कांग्रेस की बातें थी वो इनको अच्छी नहीं लगी, कि इनको लिबरल नेशनलिस्ट लोगों को। मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसलिए बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज को ये लगा कि यार अब तो हमको नेशन स्टेट बनाना ही पड़ेगा, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को मजबूत करने के लिए एक साथ आना ही पड़ेगा। एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, इन्हीं में से एक रिवोल्यूशनरी थे, नाम था उनका जुजुपी मजीनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, जुजुपी मजीनी, बॉर्न इन जिनोवा इन 1807 बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। ये इसी तरह की एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने जो कंजर्वेटिविज्म के अगेंस्ट थी, कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट थी। ही वॉज सेंड इन टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, लिगुरिया भी एक जगह का नाम है, यहाँ पर वो रिवोल्यूशन करने वाले थे जिसकी वजह से 1831 में उन्हें इटाली से एक्साइल कर दिया गया। ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, इटालियन क्रांतिकारी थे।
मेजिनी फाउंडेड टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। अब क्योंकि खुल के तो नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, जिसका नाम था यंग इटाली जो मार्सिलीज में बनाई, और दूसरे का नाम था यंग यूरोप जो बर्न में बनाई। दोनों ही जगहों का नाम है। फॉलोइंग द मॉडल ऑफ मेजिनी, अब मेजिनी ने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो उस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। अलग अलग जगहों पर सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो सेटअप होने लगी। कौन सेटअप कर रहा था इसको? लिबरल नेशनलिस्ट या फिर रिवोल्यूशनरीज। हिज कंटिन्यूस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। मेजिनी के कंटिन्यूस अपोजिशन मोनार्की के लिए और कंटिन्यूस कोशिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए, या देश डेमोक्रेटिक बने इसके लिए जो कोशिश थी, उसने कंजर्वेटिव्स को डरा दिया, उसे कंजर्वेटिव्स डर गए। इसलिए मेटरनिक जो कि कंजर्वेटिव था, अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रियन चांसलर, उसने क्या कहा मेजिनी के बारे में, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है। हु डिस्क्राइब दी मेजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, तो उसका जवाब बनेगा मेटरनिक। तो मेटरनिक ने क्या कहा? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारे सोशल ऑर्डर का या हमारे रूलिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मेजिनी है। ठीक है, उसने ये कहा। चलिए, अब इतना आज के लिए हम करते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस चेक कीजिए, यहाँ आपको असाइनमेंट्स हैं। मैंने पिछले भी दो लेक्चर में आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस पूरे नहीं देखी हैं तो देखिए और उसके सवालात को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब आज के जो क्वेश्चन है वो पहला है, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना 1815, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। दूसरा, एक्सप्लेन द एम टू फॉर्म ज्वेलवरीन इन 1834 इन जर्मनी, ये भी 1 मार्क के लिए है। और तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 4 फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ 1815, वियना ट्रीटी के कोई भी 4 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करना है, ये 3 मार्क के लिए हैं। ठीक है, ये होमवर्क आप कीजिए। आप चाहें तो कमेंट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।